हुकूमत खत्म करके हमें बिला वजह सजाएं दी गई। मुल्क को पटरी से उतारा पांच बंदों ने करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को उठाकर बाहर फेंक दिया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी करा दी गई। जब वजीर आजम को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा। हमें हटाकर ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था। उसे लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी कि आज मुल्क का ये हश्र हो। हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज ना थी। मुल्क का भारी नुकसान हुआ, उसका अजाला करना सबका फर्ज है। नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। समझने से कासिर हूँ, मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गई। धरनों के दौरान कहा जाता था नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेंगे। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने वालिद और भाई की एक साथ तस्वीर शेयर कर दी। तस्वीर में फरियाद तालपुर भी मौजूद। हेडलाइंस पर यकीन ना करें, हमारे लिए फैमिली सबसे अहम है, बख्तावर भुट्टो का पैगाम। और इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर समाप्त। नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दी।